तो अभी अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है यही से लाइव आने वाली हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा को थैंक यू अभी हम नीचे हैं और यहाँ ना गाड़ी पार्किंग का है, तो यहाँ पे स्वामी जी जा रखे हैं स्कूटी को स्टैंड पे लगाने के लिए। यहाँ सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ स्कूटी स्टैंड है और आगे जो है वहाँ गाड़ियों की पार्किंग है। और यहाँ पे मतलब अगर गाड़ियों जैसे चार्ज वाली गाड़ियाँ हैं तो उनको चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करने के लिए है। और स्कूटी का तो पता नहीं है कि नहीं है यहाँ पे। हेलो, आप सबको मेरा प्रणाम और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, तो अभी टाइम जो है वो 10 बज रही है। तो हम आए हुए हैं आईकिया के स्टोर में और यहाँ पे पूरा जो भी है मतलब तो यहाँ पे पूरा घर का सामान मिलने वाला है हमें। तो यहाँ पे मतलब होता है ना कि सुई से सब्बल तक जो भी होता है वो यहाँ पे सारा मिल जाएगा, और यहाँ पे जो हमें पता नहीं होगा वो भी हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ यहाँ पे क्या क्या है और कैसा कैसा है। तो यहाँ पे मतलब इतने कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिनके बारे में मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जिनके बारे में पता होगा उनको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आईकिया कल्चर एंड लर्निंग सेंटर। तो स्वामी जी और मैं आए हुए हैं यहाँ पे। स्वामी जी तो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो ये यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे, तो पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ये है बेबी का बेडरूम, तो जिसका थीम है पूरा ये ग्रीन कर रखा है, ग्रीन और येलो यहाँ पे। तो आप इसको एंजॉय करिए। ये तो यहाँ शॉर्ट्स लेने के लिए आ रखे हैं मेरे पास। होते होंगे इतने भी नहीं, काश कोई मुझे इसके ऊपर बिठा देता। बेडरूम और ये यहाँ पे अपना सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं हमें यहाँ पे, जैसे कपड़े ये यहाँ पे छोटी सी अलमारी, यहाँ पे कपड़े वगैरह बैग वगैरह रख सकते हैं। और ये यहाँ पे है छोटा सा वॉशरूम अटैच, और ये यहाँ पे है अलमारी, और यहीं पे मिरर भी लगा हुआ है। ये सामने यहाँ पे है लगा लो, वैसे तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ किसी का वॉशिंग एरिया नहीं, ये यहाँ का वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग मशीन लगी है, ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। बाहर का एरिया भी ऐसे दिखा रखा है, तो यहीं से हम निकल जाते हैं बाहर को। छोटा सा सेटअप यहाँ, और इतना ही यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े भी हैं छोटे भी हैं सेटअप उन्होंने दिखा रखे हैं। तो ये यहाँ से किचन हो गया सारा, और कितना प्यारा लग रहा है किचन का सेटअप। यहाँ पे ओवन वगैरह है नीचे, ओवन ये देखो, अरे खुल नहीं रहा पर ये ओवन, अच्छा ये इधर ऐसे लगा हुआ है, ये ओवन खुल गया।
यहाँ पे आपका चिमनी हो गई, वॉश बेसिन हो गया, यहाँ पे आपका छोटी मोटी कटिंग वगैरह करने के लिए टेबल, उसी के बगल में 6 लोग बैठ के आराम से खाना भी खा सकते हैं और यहाँ से बाहर के नज़ारे का व्यू भी ले सकते हैं। कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से पूरे शहर का। और इतने बड़े किचन में बड़ा फ्रिज, डबल डोर का, वाह। तो इसमें जितने भी सामान रखा हुआ है अंदर, इनमें सब में प्राइस टैग लगे हुए हैं, कितने का क्या है, कितने का क्या है, सब मिल जाएगा आपको। जूस के लिए रखने के लिए जूस भी है। ये तो हो गया रेफ्रिजरेटर, ये हो गया फ्रीजर, यहाँ पे आप मच्छी वगैरह चिकन वगैरह सब रख सकते हो। मस्त बनाया हुआ है यहाँ पे। ये ओवन के लिए, कटलरी वगैरह के लिए रखने के लिए यहाँ पे भी सामान स्टोर कर सकते हैं। सारा कप प्लेट, पार्टी पुलटी करने के लिए, सब चीज के लिए। तो आज डिनर में बनेगा चिकन सूप, और क्या बनेगा, चिकन करी, और आपको लेमन काट के रखे हैं यहाँ पे, पाइनएप्पल, लेमन, कीवी, नकली है सब। असली वाले लोग खा नहीं लेते हैं, पर वाले बता रहे थे ये छोटू सा किचन, नकली लहसुन, लहसुन की माला बना रखी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा किस प्रकार का ऐसे सेट टाइप का बना रखा है पूरा रूम यहाँ पे। तो सामने आप देख रहे होंगे अलमारी और ये बेड। तो यहाँ पे ये ड्रेसिंग का है, यहाँ पे पूरा मतलब जैसे हमें कुछ लेना होगा तो ये हम पूरा यहाँ पे, अगर हमें ये डब्बे पसंद आ रहे तो ये डब्बे ही लेने हैं यहाँ पे। ये शीशा पसंद आएगा इसके अंदर का तो यही लेना है यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो सामने जो लड़की है यहाँ से लाइव चल रही है, दिखा रही है यहाँ पे, कितना क्लियर कैमरा है उसका, है ना, है ना। तो यहाँ पे मतलब आगे आगे हम जैसे भी आगे आगे जाएंगे तो अलग अलग सेटअप है। ये यहाँ पे बुक हो गया क्या, और ये यहाँ पे लाइव चल रही है, दिखा रही है यहाँ पे प्रोडक्ट। अभी चलते हैं दूसरे में। तो मतलब अलग अलग सेटअप बना रखा है, जैसे ये किस चीज़ का हो गया, बैठने का हो गया है, ड्राइंग रूम का सेटअप बना रखा है, बेडरूम का सेटअप है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे छोटे बच्चों का खेलने का है सारा सामान वगैरह। यहाँ पे सोफा, सोफे में बैठ के सामने टीवी वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे है डाइनिंग टेबल, और ये यहाँ पे है किचन, और ये यहाँ पे है फ्रायर। कितना भारी हो रहा है ये, है ना। कुछ आप बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, क्या बोलना है। हाँ, अभी 50,000 की आपकी ये चिमनी है, ऑटोमेटिक खुल जाएगी, पर अभी खुल नहीं रही है। पूरा इंटीरियर दे रखा है यहाँ पे कि आपको कैसे बनाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, अलग अलग पसंद की अलग अलग उसके वो। और यहाँ पे वॉश बेसिन हो गया, यहीं पर आपका फ्रिज हो गया, इस पर पता भी नहीं लगता कि ये फ्रिज है कि अलमारी है। तो इसी में फ्रिज खुल दिया, फ्रिज के ऊपर भी, फ्रिज अंदर सेटअप है पूरा, पर अलमारी के अंदर ही है मतलब।
इस तरीके से पूरा सेट कर रखा है उस कबर्ड में। और ये यहाँ छोटा बड़ा सामान रख सकते हैं अपना, बर्तन वगैरह, ये बर्तन वर्तन, माइक्रोवेव, टीवी वाला वो बोल सकते हैं कैबिनेट रखने के लिए, टीवी रखने के लिए नहीं, टीवी का कैबिनेट रखने के लिए लाद के ऐसे ये दिखा रखा है टीवी में, इस तरीके से टीवी रख सकते हैं आप, तो उस तरीके अलग अलग कैबिनेट है टीवी रखने के लिए। ये यहाँ पे छोटा सा बार दारू पीने के लिए, दारू वालों के लिए बना रखा बच्चों के लिए, लिविंग रूम में छोटा सा कैंपिंग सेटअप है, जो यहाँ से टीवी वगैरह देख सकते हैं अपना, सोफा मस्त लेट के, सोफा इतना है कि बेड की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। लिविंग रूम हो गया और उसके अटैच में हो गया यहाँ पे किचन, ये यहाँ पे, तो यहाँ से मैं मतलब जैसे यहाँ पे हमें ये ही रखा हुआ है, तो ये अगर पसंद आ गया तो हम ये भी ले जा सकते हैं, इनके रेट इन पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ताश, और साथ में यहाँ पे अटैच किचन के साथ डाइनिंग टेबल भी है, फ्रिज है सामने, और सामने ये फ्रिज दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जो ये सोफा है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे जैसे भी स्वामी जी बैठ चुके हैं तो ये खुद ही खिसक जाते हैं, खुद ही नहीं खिसकता है, वहाँ पे बटन दे रखा है तो उसको दबा के ये लेट जाओ आराम से। सोफे में ही किसी को नींद आ गई तो बटन पे हाथ लगाया और बेड बना दिया है ना। काफी लोग हैं यहाँ पे देख रहे, ये भी सेम सेटअप है जैसे मैंने स्वामी जी वाला दिखाया था। ये सारे सोफा कॉम्बिनेशन है, ये सारे सोफा कुर्सी मेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे सोफे कुर्सी मेज, छोटे बड़े जिस भी साइज में आपको चाहिए, जिस भी साइज में हमें चाहिए या हम बनवा सकते हैं, बड़ा छोटा, जो अभी हमने बाहर पे देखा था, जो हमने फर्स्ट में देखा था इसी इसका था ना, वो ये साइज था छोटा, तो काफी प्रकार के हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे आउटडोर सेटअप है, ये आउटडोर का हो गया, जैसे कोई गार्डन वगैरह में लगाना चाहता है तो यहाँ पे मतलब इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है, तो इनमें से हमें कोई छोटी सी चीज़ या बड़ी सी चीज़ भी पसंद आएगी तो हम उस हिसाब का यहाँ पे वो करवा सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जो है यहीं से लाइव आने वाली हूँ, क्योंकि ये सेटअप बना रखा है उन्होंने, जैसे हम जैसे यूट्यूबर होंगे वो अच्छा यहाँ पे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग के लिए और यहाँ पे भी दे रखा है, तो यहाँ पे इतना बड़ा है ना कि आज हम पूरा नहीं घूम पाए क्योंकि थक लग गई है हम यहाँ देख देख के, तो हम सीधा यहाँ से जा रहे हैं यहाँ से सीधा पहुंचेंगे रेस्टोरेंट में। कुछ भी उधर है। अच्छा डाइनिंग है, डाइनिंग का मतलब कि खाना खाने का। कहाँ से जाना हमने यहाँ, जाना कहाँ से है, अभी हम कहाँ पे हैं? तो अभी हम यहाँ से आए और अभी है हम फोर्थ नंबर पे, तो ये काफ़ी बड़ा है, हमें घूमते घूमते 1 घंटे से ऊपर हो गया है, और अभी हम
केवल डाइनिंग एरिया में पहुंचे, वो भी शॉर्टकट लेके। ऑक्टोपस बहुत सारे कीजिए। तो अभी पहुंचने वाले कहाँ हैं? रेस्टोरेंट। तो अभी हम आ चुके हैं सीधा रेस्टोरेंट में। पूरा तो हम आज घूम नहीं पाए, दूसरे दिन आएंगे तो आपको दूसरे दिन एक्सप्लोर कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्टोरेंट कितना बड़ा है। यहाँ से आप मतलब उधर आप खाना खाने के लिए है, आप देख रहे होंगे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे यहाँ से है अंदर लाइन, यहाँ से खाना लेना है अपनी मनपसंद का और सामने जाके खाना है। बहुत बड़ा है उधर का। खाना जो है वो खाना हम बाहर से खाएंगे क्योंकि यहाँ पे है नहीं, सारा नॉन वेज वाला ही है। तो यहाँ पे केवल स्वामी जी खा रहे सैलेड और सूप पी रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे खाना खाने के लिए क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। और आइसक्रीम का प्राइस तो बता दो कितना प्राइस है। और इसका जो प्राइस है वो है 1 रुपए और इंडिया के 10 रुपए और यहाँ का 1 रुपए। तो पहली बार यहाँ पे मुझे ये दिखी 10 रुपए में, मैंने कहा है कैसे आइसक्रीम है देखते हैं, लेकिन जिसका टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है, लग नहीं रही कि 10 रुपए वाली होगी। तो अभी हम करने वाले हैं यहाँ से एग्जिट। वेट कर रही हूँ स्वामी जी का, जा रखे हैं बैंक में और मैं बाहर ही खड़ी हूँ उनका वेट कर रही हूँ। यहाँ पे वो अपना कार्ड लेने गए हुए हैं जो कि उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा था। एटीएम कार्ड होता है, जो एटीएम कार्ड है बैंकिंग के लिए, वैसे तो क्या ही काम आएगा यहाँ। तो अभी स्वामी जी आ चुके हैं और हम जा रहे हैं खाने की तलाश में, अगर हमें यहाँ मिलेगा कुछ ढंग का खाने के लिए। खाने के लिए भी यहाँ पर पता नहीं हमें कितना ढूंढना पड़ता है तब जाके कुछ पसंद का मिलता है। तो अभी देखते हैं। तो फाइनली इतना घूमने के बाद यहाँ पे खाना मिल ही चुका है हमें, ये चावल और ये आलू का है बिना नॉन वेज के।